होनीस्टा का न्यू वर्जन आ गया न्यू प्रॉब्लम के साथ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये वर्जन 7.1 होगा और इसमें आप डिलीट मैसेज को भी देख सकते हो। मैसेज पर आपको मैजिक बटन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है और यहाँ आपको सो डिलीटेड मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाकर आप सारे डिलीटेड मैसेज और फोटोज भी देख सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा ये फीचर्स के बारे में मैंने एक वीक पहले ही आपको बता दिया था। जो सामने से मैसेज अनसेंड कर दिया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा और फोटोज को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और किसी ने भी वन व्यू करके भी आपको पिक सेंड किया होगा और आपने देखा भी नहीं उसको और उसने डिलीट कर दिया तो यहाँ पर रेड डॉट आ जाएगा और ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। यहाँ जाकर आप उसका पिक देख पाओगे और डाउनलोड भी कर पाओगे। तो ये फीचर्स आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट में बताओ। तो ये फीचर्स के लिए वीडियो को लाइक कर दो। और अभी होनीस्टा की बहुत सारी न्यू सेटिंग्स की वीडियो बाकी है तो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, गलत है वीडियो देखते और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। होनीस्टा 7.1 की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से चले जाना मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, APK ही दिया है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सेटिंग पर आना है, इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ ऊपर से आपको ये सारी सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। टेंशन मत लो, इसका बैकअप फाइल दे दूंगा। और यहाँ लास्ट में आपको बग फिक्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आना है। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको ऑन कर लेना है। आपको पता ही होगा V7 में वॉइस रिकॉर्ड में प्रॉब्लम थी, वो अब फिक्स कर दी है। मैजिक बटन पर क्लिक करने के बाद चेंज वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाकर आप ये सारी अलग अलग वॉइस मिलेगी इसमें सेंड कर पाओगे, ये आपको पहले से पता होगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी और ये फिक्स हो गया है। रीमेंशन स्टोरी करते थे तो यहाँ पर आपको पहले सॉन्ग प्ले ही नहीं होता था, हाँ स्टोरी पोस्ट करने के बाद सॉन्ग आ जाता था, अब वो यहाँ पर फिक्स हो गया है। रीमेंशन करोगे तो पहले सॉन्ग आ जाएगा। हिडन मेंशन, तो V7 में काफी लोगों को हिडन मेंशन में प्रॉब्लम थी, वो भी अब फिक्स कर दिया है। जैसे आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया है तो यहाँ पे बता रहा है कोई भी ग्लिच नहीं हो रही है, और मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे नो मेंशन बता रहा है। तो समझ जाना कि उस स्टोरी में कोई भी मेंशन नहीं है। अब न्यू फीचर्स बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आप डिलीट अनसेंड मैसेज को कैसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई रील सेंड करता है और वो अनसेंड कर देता है तब भी आप वही रील को यहाँ क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। एक दो बार करना तो ये रील ओपन हो जाएगी। बट ये मैसेज कभी कभी एक दो सेकंड में अगर उसने अनसेंड कर दिया तो यहाँ नहीं बताएगा, तो ये बात का भी ध्यान रखना। सेकंड फीचर आपको यहाँ मिलेगा, ऐसे आप किसी की भी हाईलाइट कवर के आइकॉन को डाउनलोड कर पाओगे। मैजिक बटन पर जाना है और यहाँ आपको डाउनलोड हाईलाइट कवर मिलेगा, बट यहाँ से क्वालिटी खराब भी हो जाती है जैसे आप देख ही सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं डाउनलोड करने का। ये वर्जन डाउनलोड करने के बाद अगर आपका सब कुछ रीसेट हो गया iOS इमोजी फोन, तो उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैंने आपको iOS फोन रियल वाले मिल जाएंगे और बहुत सिंपल है। तो ये वीडियो के बाद एक बार ये वाला वीडियो देख लेना। अब आपको रील शेयर करना है राउंड एज में कुछ ऐसे, तो ये सेटिंग तो अब भूल ही जाओ, ऐसे भी शायद रिमूव ही हो गई है। अब राउंड एज के लिए आपको PNG ही लगाकर यूज करना होगा। और टाइमर चाहिए तो आप मेरी होनीस्टा V7 वाली फुल वीडियो देख लेना, इसमें ट्रिक बता दी है। और हाँ, न्यू PNG बना रहा हूँ तो जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत मेहनत लगती है तो इसी बात पर वीडियो अभी लाइक कर दो। बट आप इसमें रीमेंशन स्टोरी राउंड एज में लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको सेटिंग पे जाना है, इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन पे आकर सर्च करना है राउंड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन को इनेबल कर लो, ऐप को रिस्टार्ट कर लो। तो आप ऐसे रीमेंशन करोगे तो PNG लगाने की जरूरत नहीं है, iOS जैसे राउंड कॉर्नर आ जाएगा और सॉन्ग के साथ ही। और मैं जानता हूँ आप डेवलपर मोड की सेटिंग्स का इंतजार कर रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। पर अभी आप होनीस्टा में प्रो मैक्स बनना चाहते हो तो मेरी होनीस्टा की ये सारी वीडियोस देख लो। मिलता हूँ जल्दी ही, बाय।